तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट ये वीडियो देखो, ये कहता है कि ग्राफ है, बहुत फेमस ग्राफ है, अगर ये क्वेश्चन अगर नहीं आप सॉल्व करते हो आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन फॉलोइंग ग्राफ बिटवीन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट। जब हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ते हैं तो उस मेटल, अगर हमारे पास कोई मेटल है, इस मेटल पे अब हम क्या करते हैं, इस मेटल के सरफेस पे हम एनर्जी इंसिडेंट कराते हैं। एच न्यू मान लो एनर्जी इंसिडेंट कराए, और न्यू यहाँ पे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, न्यू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से अधिक होती है ये। तो यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाते हैं, ये फोटॉन्स पढ़ते हैं और फोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी, मान लो इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं तो उनके पास काइनेटिक एनर्जी है, तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है यार, ऑब्वियसली डिपेंड करती है। जैसे जैसे मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाता हूँ वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगती है। तो उस फ्रीक्वेंसी भी वेरिएबल है, काइनेटिक एनर्जी वेरिएबल है, उन दोनों वेरिएबल के बीच एक ग्राफ बनाना है यार। तो आइंस्टाइन का इक्वेशन लिख लेते हैं डायरेक्ट। तो फ्रीक्वेंसी और आइंस्टाइन का इक्वेशन ये कहता है कि इंसिडेंट एनर्जी दैट इज द वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होती है। तो यहाँ से मुझे काइनेटिक एनर्जी डायरेक्ट मिल जाती है एच न्यू माइनस न्यू नॉट, वेयर न्यू नॉट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ से मुझे एच न्यू और माइनस माइनस एच न्यू नॉट और ये काइनेटिक एनर्जी। अब इस इक्वेशन को अगर अच्छे से देखोगे तो सिर्फ इसमें दो वेरिएबल है, कौन कौन सा वेरिएबल है, काइनेटिक एनर्जी एंड न्यू, इन दोनों वेरिएबल के बीच ये ग्राफ है। और ये अच्छे से देखोगे तो वाई इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी का फॉर्मेट है, ठीक है। अगर वाई इक्वल एम एक्स माइनस सी का ग्राफ बनाया जाए तो कैसे ग्राफ बनाया जाएगा यार, ठीक है। तो वाई इस एक्सिस पे प्लॉट करेंगे और एक्स इधर प्लॉट करेंगे, इंटरसेप्ट निगेटिव होगा, इंटरसेप्ट निगेटिव होगा, स्लोप पॉजिटिव होगा, ऐसी स्ट्रेट लाइन आएगी। तो अगर मैं काइनेटिक एनर्जी और इसके बीच अगर प्लॉट बनाता हूँ, इन दोनों के बीच अगर मैं ग्राफ बनाता हूँ, यहाँ पर अगर एक ग्राफ बनाऊँ और इधर बनाऊँ काइनेटिक एनर्जी और इधर बनाऊँ फ्रीक्वेंसी, तो ये जो ग्राफ है वो निगेटिव इंटरसेप्ट लेके ऐसे आता है। अब काइनेटिक एनर्जी निगेटिव तो होगा नहीं, तो ये ग्राफ तो इधर तो आएगा नहीं यार। तो ये जो फ्रीक्वेंसी होती है, ये जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। तो ये अब ये ग्राफ काफ़ी कभी थ्योरी पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो आप बने रहो। चलो तो इस हिसाब से हम लोग का डी ऑप्शन सही है।